नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ थाना परिसर में शिवरात्रि को लेकर के शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, थाना प्रभारी आशीष सप्रे, एसडीओपी रघु प्रसाद, एसडीएम अखिलेश जैन सहित वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर विक्रम सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि शिवरात्रि का त्यौहार शांति सद्भावना के साथ मनाएं, साथ ही साथ डीजे साउंड सिस्टम पर कोई ऐसा सॉन्ग ना बजाएं जिससे धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंच सकती हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा शिव जी की बारात में कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएं और सोशल मीडिया पर अगर कोई विवादित पोस्ट करता है तो उसकी सूचना तुरंत थाने पर सूचित करें। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने कहा अनुशासनहीनता जिसने की उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। इसको लेकर राहतगढ़ में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें आयोजक पर प्लस अन्य जो गणमान्य नागरिक थे, जनप्रतिनिधि थे, वो सब इसमें शामिल हुए थे और एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रखते हुए त्यौहार को कैसे संपन्न किया जा सकता है इस संबंध में उस पर चर्चा हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल का आगामी जो त्यौहार है वो धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा और शांतिपूर्वक। आपने जो मुख्य बातें रखी सदस्यों के सामने वो क्या है? मेरी जो कुछ बातें उनसे रखी गई थी जुलूस को लेकर के था, कल यहाँ शिव बारात निकलेगी शाम को जो रात में 11:30 तक चलेगी। मेरा कहना था कि रास्ते में जो दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल आएंगे वहाँ पे वहाँ पे कोफी लगाएंगे, एक आध आदमी और ले आओ, साथ में जो साउंड सिस्टम है उसको कंट्रोल रखें। बच्चे की एग्जाम भी चल रही है और हमेशा साउंड करंट की होना चाहिए, दूसरों को उसका अपील न लगे, इसका ध्यान रखें। सोशल मीडिया पे नियंत्रण रखें, कोई रूमर आती है, कोई बात आती है तो इमीडिएट पुलिस को इन्वॉल्व करें और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सब इसके लिए पुलिस प्रशासन दोनों से। थैंक यू सर। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।